दूसरी वीर सच्चान महरोल सच्चान महरोल। पहली गेंद सच्चान महरोल जानते हैं बड़ा रन चेज है तो कहीं ना कहीं पहली ही ओवर में पांचवा गियर के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। पहली गेंद डॉट बॉल दूसरी गेंद सच्चान महरोल अपने रंग को दिखाते हुए अपने रंग को बिखारते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध मोहित करते हुए बल्ले के साथ चार रन। बिल्कुल पहली गेंद से डॉट बॉल दूसरी गेंद से चौका दो गेंद से चार रन। फिर एक बार यह कड़क शॉट सच्चान महरोल। भैया इस खिलाड़ी के अंदर कुछ तो टैलेंट है और ऐसा टैलेंट है कि विपक्षी टीम को तोड़ फोड़ कर ये अंदाज देखिए ये स्वैग देखिए और कहीं ना कहीं चौका मारने के बाद भैया एटीट्यूड देखिए। कहते हैं ना किसी को मलाल है ना किसी को कम है सच्चान है। लेट्स सी चलिए यहां पर देखिए ये शॉट लाजवाब थी लेकिन रवि आज भैया जन्मदिन है तो जन्मदिन में अपने टीम को ये तोहफा जीत के रूप में गिफ्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल गिफ्ट यहां पे देना चाहेंगे जीत लेकिन उस जीत को अगर मुकम्मल करना है जीत को अगर हासिल करेगा लेट्स सी। अच्छी गेंद यहां पे विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास करने के बाद थोड़ी सी तेज गति के साथ आई स्किप किया था ये गेंद और एबीसी में अगर ये सवाल पूछा जाता इस सवाल का वैल्यू 7 करोड़ होता तो ये 7 करोड़ के वैल्यू वाले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कप्तान रवि को लाए हैं गेंदबाजी पर। वंस अगेन सच्चान महरोल बाएं हाथ का ये ठाकर बल्लेबाज देखिए ऑप्शन की बाहर के गेंद को चाह रहे थे खेलने के लिए लेकिन थोड़ी सी ऑप्शन मिड स्टंप के अंदर की गई थी और खेलने के बाद हरकत किया था गेंद ये करेक्ट शॉट है पहले ही अपने जानबूझ के पैर को खोला था और गेंद को दिशा दिखाया भैया मिल गया मौका जड़ दिया चौका सच्चान बन चुके हैं शानदार सच्चान चार रन। सच्चान सामने रवि फिर एक बार वंस अगेन वंस मोर वन ब्रिंग्स टू भैया दिल तो सबके पास होता है सब दिल वाले नहीं होते हैं चौका लगाने का क्षमता तो सबके पास होता है सब सच्चान महरोल नहीं होते हैं दो गेंद दो चौका दो हवाई फायर स्टेज की याद दिलाते हैं भैया दो दिन स्लीप सामने खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं पूरे माहौल एकदम अलग सा यहाँ पे रुतबा अलग सा है भैया आग लगा लो सीने में आग लगा लो सीने में जब तक एनएमएस कप ना जीतो जनवरी के महीने में तो फिर एक बार आएगा चौका सी वन रे था पा प्रॉपर क्लासिकल शॉट यहां पे कॉपी बुक स्टाइल में खेलने के प्रयास गुस्सा साफ झलक रहा है रवि के शक्ल पर रवि के एक्सप्रेशन पर लेकिन कहते हैं ना नाक को कंट्रोल करना होगा गर्माहट के माहौल में दिमाग को ठंडा करके गेंदबाजी करना होगा आपको। सच्चान महरोल स्ट्राइकर फिर एक बार क्या टाइमिंग है जनाब प्रॉपर क्लासिकल शॉट और इस शॉट में सच्चान का CLASS क्लास लिखा हुआ था प्योर क्लास। चलिए
खाली है, कंधा से कंधा मिलाकर लड़ते हुए। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ से जमकर पिटाई जा रही है। सज्जन और बोधू लगातार पिटाई करते हुए, किन बातों का? अभी भी इनके तर्कस में ऐसा कुछ महंगा तीर छुपा हुआ है। सिंगल पूरा नहीं कर पाएंगे, अपना विकेट को सैक्रिफाइस करना होगा। और बोधू जानते हैं सज्जन का स्ट्राइक में रहे। सज्जन मेहरून एक क्षेत्र किंतु बहुत ज्यादा सरासरी ऋतिक शर्मा हाथ है, प्रत्येक डॉट बॉल किंतु करे भाई का डिलीवरी अभी शेष आठ बॉल थे कुड़ी तो शेष आठ के बॉल थे पांच छह बाउंड्री पे जो रहे हैं, प्रत्येक बॉल थे किंतु करे स्लेजिंग का चल छे अवश्य शब्दের আদান প্রদান না চলছে। সজ্জন মেহরুনের খেলার ভঙ্গিমাটা বদলাইনি, ফার্স্ট বল কোন বদলটা বাউন্ডারি, এক্ষেত্রে কিন্তু চাপ থাকবে মাস্টারের উপরে। মাস্টার কোন বদলটা সে সুকান্ত সিং তো চমৎকার ভাবে বলটাকে সেভ করলেন। শেষ চারটে প্রথম বল হিসাবে দেবেশ মাঝি এবং বিবেক দাসের ব্রিগেড অবশ্যই জায়গা দখল করেছে সেমিফিনালেতে। এগারো এক বল থেকে সাত রান, তারপর এক গেম থেকে সাত রান। মাস্টার সজ্জন মেহরুন কা উইকেট নিকালে থে লেকিন চলিয়ে ইয়াহা সে ম্যাচ হোগি সমাপ্ত। ভংশিকা এন্ড দেব্রতিষ্ঠান ইয়ে মুকাবলা কো আপনে নাম করেঙ্গে, লেকিন জিস তরহ সে টুবান এন্ড টিম নে ফাইট কিয়া হ্যায়।